गुड डे माई डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज की इमली सीरियल में आर्यन ने बताया इमली को साफ साफ रिपोर्ट दिखाकर कि उसे एज ए स्पर्मिया है, यानी कि ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें वो कभी फादर बन ही नहीं सकता। आज की एपिसोड स्टार्ट होती है कि इमली मांगती है माधव से माफी और उसे कहती है उसे घर वापस जाना होगा। फिर इमली आर्यन से दो टोक बात करती है कि वो इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है, वो उसे और चीकू को लेकर ओवर रिएक्ट कर रहा है। वो उससे कहती है ऐसा ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर यहीं पर आर्यन इमली को बताता है कि उसे एजोस्पर्मिया है। फिर वो उसे दूसरी रिपोर्ट दिखाता है और उसमें कहता है कि देखो यही लिखा हुआ है। इमली यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। आर्यन यहाँ सारा का सारा इल्जाम माधव पर लगाता है, लेकिन इमली कहती है कि माधव ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि जब स्ट्रिंग ऑपरेशन था वो बिल्कुल अपने होश और हवास में थी। आर्यन यहाँ पर कहता है कि चीकू किसी का भी हो, वो उसे अपना बेबी समझकर पालेगा, उसे अपना नाम देगा। घर जाकर आर्यन रोते हुए सोचता है कि इमली और माधव के साथ उसने बहुत गलत किया है, उसने इमली का ट्रस्ट तोड़ा है। जो कि इमली के मरने की खबर सुनने के लिए फ्रेंड्स बेचैन होती है, उससे रोने की वजह पूछती है। वो समझती है कि शायद इमली दुनिया में नहीं रही। आर्यन सारी बात उसे दोस्त समझकर बता देता है कि उसने आज इमली से क्या बात की है। वो उससे कहता है कि इमली कहती है कि माधव ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इमली सीता मैया से प्रेयर करती है कि आज सब कुछ ठीक हो जाए। यही फ्रेंड्स आर्यन भी दोबारा आ जाता है, वो माधव को मारने की धमकी देता है और इमली यहाँ पर डर जाती है कि ऐसा करने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा, और वो ठान लेती है कि वो सच्चाई का पता करके रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड्स में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि माधव का एक्सीडेंट हो जाएगा और आर्यन यहाँ पर भी इमली को धमकी देगा कि वो जब तक होश में नहीं आ जाता माधव, वो सच गुलवा कर ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।